नमो अहंकारम नमो सिद्धारम नमो वाग्यारम नमो वज्रायारम नमो लोये सबसाहूलम शुद्धात्मान मणिकांतम साधुमत्तम मंगलम वंदे संदष्ट सिद्धार्थम संदष्ट अर्थ प्रकाशकम मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम गणे मंगलम कुंभकुंदाद्रोजन धर्मोस्त मंगलम सर्वमंगलमंगलं सर्वकल्याणकारकं पुनानं सर्वधर्माणां जयनं जयतु शासनम्। स्वरूप को परम दृष्टा में भरोपार बंधु परमानंद में समय सारे विकार मंगल में मंगल करण विकराग विज्ञान महकाय रात्रि भी अरहंकार महान। देवसास गुरु की श्रद्धा के लिए क्या पुरुषार्थ करना पड़ेगा बता भाई? अभी तुमने बोला पुरुषार्थ करेंगे, क्या पुरुषार्थ होगा? देवसास गुरु का श्रद्धान करन भी पुरुषार्थ पूर्वक होगा, बिना पुरुषार्थ के देवसास गुरु का श्रद्धान नहीं होगा। तो पुरुषार्थ क्या है? देवसास गुरु का यथार्थ स्वरूप समझना, पढ़ना, सुनना, विचारना, निर्णय करना, देव का स्वरूप सुनना, पढ़ना, निर्णय करना, चारों ओर से गुरु का स्वरूप समझना, सुनना, प्रयोजन परक शैली से रटाई पढ़ाई थोड़ी है, सीखा शास्त्र का स्वरूप सुनना, समझना, निर्णय करना, फिर विचारना बारंबार। देवसास गुरु कहा श्रद्धान करने के लिए स्वरूप तो समझ ले, स्वरूप नहीं समझोगे उनका तो कैसे श्रद्धान होगा? प्रवचन सार की चर्चा करी तो प्रवचन सार से ही देख लो, अरहंत को द्रव्य गुण पर्याय से जानना, गुरु को भी द्रव्य गुण पर्याय से जानना, शास्त्र को भी जानना। जानने का मतलब खाली जान, एक जी भीतर घुसा है, ये तो हम जानते हैं, ये तो कहना सीख गएगा, यहाँ की एक शैली बना ली बस, बाद बाकी तो देवसास गुरु की जरूरत ही नहीं थी। किसी भी वस्तु का श्रद्धान करने के लिए उसके संबंध में समझो तो, निर्णय तो करो, विचार तो करो, तब श्रद्धान होते तो होगा। पंडित जी की भाषा अगर बोलेंगे तो तत्व विचार करना, तो तत्व माने स्वरूप का विचार करना। जी हम अपनी भाषा बोल रहे, देव तत्व का विचार करना, देव एक तत्व है, देव के स्वरूप का विचार करना। अब विचार तुम वैसे ही करते रहो, सुनोगे पढ़ोगे कुछ नहीं, नए प्रमाण से निर्णय कुछ नहीं करोगे। निश्चय न ऐसे व्यवहार, देव का क्या स्वरूप है, व्यवहार न ऐसे क्या स्वरूप है। अब अन्यथा स्वरूप सिद्धांत कितने लिखेंगे, कैसे गए? ऐसे ही तो अन्यथा सिद्धांत हुए, ये सातवें अधिकार में जो अन्यथा सिद्धांत लिखे, देव संबंधी अन्यथा सिद्धांत, तो कैसे हो गए बता? ऊपर ऊपर से सुन रहे समझ ले, असमान जाति गुण पर्याय को नहीं जाना, सादृश्यपना जिनमें है ऐसे सामान्य से जो थोड़ी भेद विज्ञान होता है, विशेष से भेद ज्ञान होगा। देव नाम कितने कहे आ रहे, देव के नाम से कितने कहे आ रहे, बुद्ध जन पक्षपात क्षण देखो, तज देखो, इन साचा देव कौन है इन? बहुत उद्यम से जीव राजा को जाने, कितना उद्यम है। अब उद्यम क्या, उद्यम और कहो प्रसाद कहो, ये ही तो बात है, तो कैसे बहुत उद्यम से जानोगे? तू नए विभाग नहीं जानता इसलिए मिथ्यात्व है,
माने ये संकेत सबने लिखे कि नहीं लिखे, अब देखो एक विषय को दिन भर करो, दो दिन करो, तीन दिन करो, उसको एक कोई पूरे कर ली। हम शास्त्र के शास्त्र पढ़ते, शास्त्रों के माध्यम से पढ़ते, शास्त्रों के माध्यम से नहीं पढ़ रहे। देव का स्वरूप है तो देव का स्वरूप पढ़ो, सुनो, फिर जो नहीं क्या ग्रस्त बना त्याग कर तो क्या ग्रस्त बना होता है, अनंत चतुष्टय तो क्या अनंत चतुष्टय होता है, वीतराग है तो वीतरागीता क्या होती है, हितोपदेशी है तो हितोपदेशी क्या होता है, मतलब कभी कभी तो ऐसे वीतराग मान बैठे जिनसे हमारे प्रयोजन की सिद्धि हम निग्लेक्ट कर दी, कोई मतलब ही नहीं, वे तो करता धरता है नहीं, कुछ करेंगे ही नहीं, या फिर बिल्कुल करता मान के बैठे जी करेंगे। पंडित जी ने कितना लिखा है ये बताओ, हम यहाँ ये मूल विषय कह रहे हैं कि सिद्धांत का पुरुषार्थ क्या है। सिद्धांत ज्ञान पूर्वक होता है, जैसा जानेगा वैसा सिद्धांत करेगा। तुम इसको क्या मानते हो बता, जो जानते हो सोई तो मानते हो, इसको देव मान रहे हो, कैसा देव मान रहे हो, अपने से क्या उनसे प्रयोजन सिद्धि कैसे होती, ये भी तो सीखना चाहिए। जैसे एक वैद्य से दवा लेते हैं तो वैद्य से दवा देने के बाद ये भी तो पूछते हैं ये दवा खाई कैसे जाएगी, इसका सेवन कैसे होगा, ये तो बता। तो पंडित जी ने देखो कितना लिखा, अरहंताधिक से हमारे प्रयोजन की सिद्धि कैसे होती है, शास्त्र से हमारे प्रयोजन की सिद्धि कैसे होती है। भाई भक्ति से खुश होकर के वे तुम्हें रत्नत्र दे देते हो, ऐसा तो स्वरूप है नहीं, स्पष्ट बात। तुम्हारे गाने बजाने से, तुम्हारी भेंट दान दक्षिणा चढ़ाने से खुश होकर के वे तुम्हें जाओ तथास्तु, ऐसा तो स्वरूप है नहीं भाई। और ये भी नहीं है कि यहाँ कार्य की सिद्धि नहीं हो, तो फिर क्या कर्ता कर्म संबंध नहीं है और क्या निमित्त निमित्त संबंध है, ये तो समझो भाई। पंडित जी लिखा है अरहंत को द्रव्य गुण पर्याय से जानता है, और पर्याय में पंडित जी ने क्या खोला है, समान जाति और असमान जाति, कितनी जीवाश्रित विशेषण है, कितने पुद्गलाश्रित विशेषण है, कितने व्यवहार नय से कही है। क्यों भगवान को दीनदयाल अधम उदारक पतित पारक पतित पावन कहना गलत है, है? तो फिर और सीधा सीधा मान ले तो फिर मिथ्या हो जाए, तो बोले क्या श्रद्धान कर रहे तुम। हम सच कह रहे हैं कि बिल्कुल हमने सूक्ष्मता से निरीक्षण किया, मान्यताएं बेई पड़ी हैं, कोई काम अनुकूल हो जाए तो आपकी कृपा से, और आपकी कृपा से ही हो सकता है, लेकिन कृपा का मतलब क्या है, कैसी कृपा प्राप्त किया है, उस बात को भी तो सोचो। करुणा का मूल्यांकन करना तो सीखो, श्री गुरु वीतरागी भी हैं और उपकारी भी हैं, करुणाशील भी हैं, तो उनकी करुणा का मूल्यांकन तो करो, क्या करुणा है, काय के लिए करुणा है। बहुत अच्छा अच्छा करने से हमने कहा था अच्छा अच्छा करोगे पुण्य बनेगा, सच्चा समझोगे तो निर्णय होगा। जो भी लिखा है अपने लिए लिखा है, देखो देव शास्त्र गुरु से प्रयोजन की सिद्धि कैसी लिखी, शास्त्र से प्रयोजन की सिद्धि बताओ, इस ग्रंथ में से इस ग्रंथ का वाक्य बोलना, शास्त्र से प्रयोजन की सिद्धि कैसे, उचित शास्त्र को उचित वक्ता से उचित श्रोता होकर सुनना,
चित्त श्रोता में श्रोता का स्वरूप लिखा है, हित पर दृष्टि रख करके सुनना, निर्णय करना, बारंबार विचार करना, जो हम कह रहे हैं वो लिखा है सब। इतना स्थूल नहीं है भाई कि हमने रटी राइट अपनी आगे पीछे कर दी, ये हम कह रहे हैं। बिल्कुल सही बात है, पुरुषार्थ का ही मोक्ष होता है, लेकिन वो पुरुषार्थ क्या है, अन्यथा पुरुषार्थ क्या है। अब ये सातवें अधिकार में से समझना पड़ेगा, अन्यथा श्रद्धा, अन्यथा भक्ति है, देव भक्ति का अन्यथा स्वरूप, अनंत भक्ति का अन्यथा स्वरूप, गुरु भक्ति का अन्यथा स्वरूप, वो अन्यथा पुरुषार्थ है। तो मूल में क्या है, वजन काय पर आना चाहिए, बुद्धिपूर्वक क्या होना चाहिए, स्वरूप की स्वरूप का श्रवण पठन करके निर्णय करे और स्वरूप का ही बारंबार विचार करे। कब तक, जैसा स्वरूप है वैसा भाषित न हो जाए, बस वो श्रद्धान हो जाएगा। सप्तमी अठारहवीं गाथा में से श्रद्धान कैसे कहाँ होता है बता, लिखो बताओ समेसार जी की सत्य अठारहवीं गाथा में श्रद्धान क्या लिखा। श्रद्धान उदित होता है कब, वहां तो आत्मा की चर्चा है ना, इसलिए आत्मा अनुभवन होने के काल में ही श्रद्धान उदित होता है। अरे भाई, किसी के संबंध में हमने कुछ सुन रखा हो और देखने जाए और जाए तो हमें जो सुनी सुनाई बातें सब झूठी लगेंगी, तो हमारा सिद्धांत बदल जाएगा, और अगर जैसा सुना है वैसा ही लगेगा तो सिद्धांत मजबूत हो जाएगा। सीधी बात है, सिद्धांत ज्ञान बिना का सिद्धांत अंध सिद्धांत है। छोटेमल जी ने कुल परंपरा में क्या लिखा है, अगर हमारा कुल परंपरा से देव सास गुरु की भक्ति आदि करते हैं, हमारा सिद्धांत चला रहा है, तो फिर भाई वो सिद्धांत सम्यक नहीं, सच्ची क्रिया भी करते तो भी सम्यक नहीं। जैसे हमने जो वाक्य बोला था उस वाक्य में से बोलो कि भैया अभिमान से अच्छा कार्य करोगे तो भी आपको श्री और शांति नहीं मिलेगी। अभिमान से अच्छा कार्य करोगे तो भी कार्य सिद्धि नहीं, वो श्रेय और शांति नहीं मिलेगी। मदमत्सर भाव से सच्चे शास्त्रों के पढ़ने और सुनने वाले जीव को भी पाप बंद होगा। लौकिक प्रयोजन से अगर हम जिन भक्ति भी करेंगे तो भी हमारे पाप का बंद पड़ेगा। सिद्धांत में इन बातों को बहुत जमा, छोटेमल जी लिखा, जिन धर्म का सेवन तो संसार नाश के लिए किया जाता है, उसके द्वारा जो लौकिक प्रयोजन आजीविका चाहते, मान प्रतिष्ठा चाहते, अपने इष्ट भोग संयोग सामग्री चाहते हैं, ऐसे जीवों का सुलझना कठिन है, पाप बंद होता है। चाहे तत्वों का माने सिद्धांत का मूल ये समझना, स्वरूप का निर्णय इतना नहीं, स्वरूप का श्रवण पठन, हाँ निर्णय तो हो गए, निर्णय के लिए ये सब बातें हो गई, फिर उसका फिर बारंबार विचार, निर्णय करो और फिर बारंबार विचार करो। इसका कर्णन योग से क्या संबंध जोड़ा आगे इसी अधिकार में, इससे दर्शन मोह मंद होता जाता है, तब दर्शन मोह कर्म का उपशमन होने पर स्वयं भी सम्यक दर्शन होता है।
और तत्व विचार करने वाले ज्ञानी के फिर प्यार तमो मंद होता जाता है, तब स्वयं में संयम धारण करने का भाव होता है और संयम पलता है। और उपसर्ग आदि के काल में, उपसर्ग में अनुकूलता भी है प्रतिकूलता भी, ध्यान रखना। सत्कार पुरस्कार भी परिचय है। सुख दुख में समता धारें, सुख में समता धरना ये भी पुरुषार्थ का काम है। सुख में आदमी किसी को किस समझता नहीं है, फिर भगवान तक को भूल जाता है। अनुकूलताओं में ये जीव फूला और भूला रहता है, किसी को कुछ नहीं गिनता, समझता ही नहीं है। तो ये वृत्ति जो बनती है, ये देवसास गुरु का स्वरूप, ये मत समझ लेना। हम फिर कह रहे हैं, औरों की बात छोड़ दो, दूसरों को मत समझाना, ये मत सोच लेना ये हमको आता है। जितना आता है, देव हम तुम्हारी भाषा बोल रहे हैं, जितना आता है उतना बहुत अपर्याप्त है, बहुत अधूरा है। चाहे देव का हो, चाहे गुरु का हो, चाहे शास्त्र का हो, क्या समझते हो? समन्त भद्र स्वामी ने आप्त की परीक्षा में कितना लिखा है बताओ, और तो और, आप्त की परीक्षा में, और कहां से कैसे शुरुआत कर ली। यदि आप लौकिक बाह्य अक्षयों से आप मानते हो बड़े चमत्कारी देव हैं, बड़े ऊंचे देव हैं, बड़े श्रेष्ठ देव हैं, अरे आप क्या समझ रहे, कुछ नाथस्तम सुमहान, महान तो हैं लेकिन इस ऐसे महान नहीं है। महान तो हैं लेकिन इसलिए महान नहीं है, आपका परमोदारिक शरीर इसलिए महान नहीं है। दूसरे छंद में यह आया, आप तीर्थ के प्रणेता इसलिए नहीं है। तीर्थ अपने अपने तीर्थ की प्रणेता होते हैं बहुत से, उनमें कोई एक होगा दोषा वर्ण योर हानि। मतलब ये है आप की परीक्षा, परीक्षा किसको कहते हैं, निर्णय करने को। परीक्षा माने ये तो अंग्रेजी बोल करके मत सोचना, पर्यायवाची मत बोलना। परीक्षा माने टेस्ट होना, इम्तिहान होना, एग्जामिनेशन होना। अरे ये तो तुम भाषा बोल रहे, इनमें क्या परीक्षा माने निर्णय, सत्य सत्य का, हित अहित का, सत्य है सत्य और हित अहित के निर्णय को परीक्षा कहते हैं। हमको ये बादाम खाने से ताकत आती है, ये तुम्हें अगर किसी ने कह दिया तो बादाम कैसे खाया जाए ये भी जानना चाहिए, कितनी मात्रा में खाया जाए और कैसे खाया जाए। घी से ताकत आती है तो घी कितना खाया जाए और कैसे खाया जाए, और खाना ही नहीं हाँ कैसे पचाया जाए। मतलब घी खाया जाए वैसे खाए, वो इसके साथ मिला करके खाओ, ऐसे खाओ, इसमें ये वो भी चल जाएगा, लेकिन फिर पचाया कैसे यार, ये भी आना चाहिए। निग्रह करते या पुण्य जिस जो बाहर में बीच में सामग्री आती है उनको, आपको राजा का दृष्टांत याद होगा। राजा ने उसको कह दिया जा सोने रत्नों का भंडार खुला है, एक रत्न नहीं ले पाया, या चल भाई नहीं माना तो सोने का भंडार खोल देते, तोले या सोना नहीं ले पाया, चलो भाई तुम्हारे लिए हम चांदी का खोल, जरा सी चांदी नहीं ले पाया, क्यों बीच में अटक गया। तो हम भी बीच में अटकते हैं। पढ़ने सुनने का नाम, याद कर लेने का नाम, हम ये मान लेते ज्ञान हो गया, बस जान, और चार छह बातें हमारी अनुकूल बन जाती हैं तो हम सोच लेते हैं हमको तो पक्का श्रद्धान है, पक्का। अरे पक्का तो है, मिथ्या है, पक्का था। उनकी भक्ति से अपनी इच्छाओं की पूर्ति हो जाना यह कोई श्रद्धान का आधार नहीं है, कभी नहीं भी होंगी। हमने आपको दृष्टांत ही दिया था, एक जगह गए बोले पंडित जी आपको पाओ ऐसो पर्व हमारे तो सब काम हो गए।
हमने कहा भैया गाली मंदिर काउ दिन हम आए तुम्हारे घर है और काम अगर बिगड़ गया तो तुम क्या कहोगे, ऐसो पांव परो मजा। और ऐसे घरों में खूब लड़ाई करती जब बहू को ऐसो पांव परो, अरे बहू का पांव करेगा तुम अपने पहनाम तो देख रहे हो, बहू का पांव कहते हो। और फिर हम तो ये कहते हैं पांव मतलब आचरण का है, दूसरे के पांव पर से थोड़ी तुम्हारी कार्य सिद्धि होगी। जब बिना परिणाम के नाम लेने वाले का भी सद भाव नहीं होगा, सदगति नहीं होगी, तो ना सुनने मात्र से क्या होगा। इसी प्रकार हम उल्टा कर दो, बिना परिणाम बिगड़े हुए हैं अगर तुम्हारे बाहर की प्रतिकूलताओं से परिणाम बिगड़े बिना कैसे बिगाड़ हो जाएगा। परिणाम बिगड़े बिना तुम्हारे ये भ्रांतियां छोड़ देना कि मैंने सुंदरी की भक्ति से श्रीपाल का कोर मिटा है। श्रीपाल की भक्ति का फल था, मैना सुंदरी की भक्ति का मैना सुंदरी को मिलेगा, और भक्ति का नहीं वो भक्ति तो बजराज मंडल की कम थी क्या, और रोज थी, लेकिन वो काल आ गया उस समय तो आ गया नहीं आ गया तो नहीं। मतलब इस आशा से तुम भक्ति मत करना कि हमारा रोग ठीक हो ही जाएगा, ठीक होगा तो होगा, नहीं काल आया नहीं ठीक होगा तो नहीं होगा, संघर्ष करने की बात। तत्वों के सिद्धांत के लिए भी यही सोचना चाहिए क्या, तत्वों का स्वरूप समझो, और स्वरूप माने एक नए से मत समझो, नए और प्रमाण से समझो, भीतर से भी समझो बाहर से भी समझो। जैसे राग आदि मिटाना है, हमें राग बहुत है तो किसके प्रति है उसका भी स्वरूप समझ लो, किसके प्रति राग है। अच्छा जो बताओ ब्रह्मचर्य में शरीर का स्वरूप भी समझाया कि नहीं समझाया, भोगों का स्वरूप भी समझाया कि नहीं समझाया, और आत्मा का स्वरूप भी समझाया कि नहीं समझाया। अब ये तीन तीन स्वरूप समझाने की क्या जरूरत थी बताओ। स्त्री का स्वरूप समझाया कि नहीं समझाया। हम कहते हैं ये आजकल बहुत वो प्रेम विवाह चले, जब तक विवाह नहीं हुआ ऐसे होते जैसे कि मन जाने का हो रहा हो, और फिर विवाह होने के बाद इतनी खटपट होती क्यों सोई फिर चालू हो जाती है, अधिकार की बातें और विवाह की बातें, फिर बस आपस में ये समझो आफत पड़ जाती है। हैं? हाँ तुम्हारी वो भाषा तेरे भैया हम क्या करें, अब बूढ़े पुराने बेचारे कछु नहीं समझे होंगे। रियल लाइफ माने सिनेमा की एक्टिंग, फिल्मी स्टाइल, और फिर रियल माने वास्तविक, फिर आ जाती है खोल के बाहर। उस सेठ ने लड़के से कहा बेटा तुम्हें जाना है जाओ, सवेरे जाना, और सवेरे का जो रूप देखा हो स्त्री का वो भगवान, ये तो संग जैसे हमारे घर की स्त्री तो लाख गुनी अच्छी है जी, क्या ये तो ऊपर की चमकदमक थी। विचार करना इन तत्वों के सिद्धांत का मतलब प्रयोजन क्या है, क्या सुंदर निश्चय भाष के प्रसंग में लिखा है गुरु अंतिम लाइन श्री गुरु तो रागादिक छुड़ाना चाहते, क्यों रागादिक छूटे बिना दुख नहीं छूटता। तो जिससे तू राग कर रहा है वो है कि वो क्या है बता, ऐसे दृष्टांत क्यों दे दिए उसने, जुलाब लेकर के गले में भर दिया, वो धरिए सुगंध जा वो सौंदर्य वो धरा देख। अब हो सकता है किसी ने किया हो नहीं किया हो वो हम नहीं कह रहे, हम तो ये कह रहे हैं
जड़ त्याग दो दिनों में ये का सकल हो गई। जरासी में कोल फूट जाए, जरासी में बीमारी हो जाए, एक्सीडेंट हो जाए, और तुम्हारा क्रूप हो जाए, चेहरा हो जाए, जी सब हो जाए, बताओ क्या तुम सही मैंने ये स्वरूप क्यों बताया? तुम तत्व सिद्धांत को इतना हल्का मत हल्के तरीके से नहीं लियो। हम ये कह रहे हैं बस, और कुछ नहीं कह रहे। इतने हल्के विषय नहीं है ये, ऐसे करो ये दूसरे के काम नहीं है। ये जब लौकिक कार्य में ऐसा नहीं होता, भैया पानी लिया बदौर पर ही पानी ले आए, इसीलिए तो हम बैठे रह गए थे। बैठे क्यों रह गए थे? अगर तुम्हें हिंसा का भय है, एक तो बंद है, भाजपा की कितनी खुली, कितनी आवश्यक कितनी अनावश्यक, मतलब हिंसा का भय तोड़ेंगे ना हमारे जीवन में। ये नहीं है अनावश्यक और आवश्यक की हिंसा, हिंसा का भय मतलब इस गंभीर बनो। भगवान का शासन गंभीर है। कितनी बार अंधेरा तो अंधेरा पड़ा, खुली तो खुली पड़ी है, तो जरिए तो जरिए दिन, नहीं डरी तो नहीं डरी। हमारा मतलब ऐसे कार्यों इस तरह के उपयोग से, उपयोग कहिए कार्य कहिए, गरज है नहीं उसकी, उसकी प्रयोजन पर दृष्टि नहीं, तो कैसे कार्य सिद्धि हो? ऐसे तुम देव सास गुरु की श्रद्धान और भक्ति करते, तुम्हें लगता है जरूरी है जे? कभी रोए हो बैठ करके, गिड़गिड़ाए हो अपने, हे भगवान माया पाप कैसे छूटे? हिंसा का भय, तब तो हम कहते एक दीपक चलाना तो तुमने बंद किया, और इतनी लाइटें और इतनी मरकरी, कोई चिंता नहीं, बस चलन दो कीड़ा बिछिया बिल्कुल। अगर हिंसा का भय होता तो सर्वत्र जहां जहां हिंसा की तीव्रता है ऐसे कार्य नहीं होते। हिंसा का भय नहीं है। अब तुम कह रहे तो अभी ले नहीं, तुम कह रहे नहीं कह रहे तो नहीं कह रहे, इसका नाम श्रद्धा नहीं होता। इसलिए हम कहते हैं परिणाम की कठोरता, माने वो कार्य हमें, कार्य क्या है, कार्य का प्रयोजन क्या है ये बताओ। घर बनाने को पाप और मंदिर बनाने को पुण्य क्यों कहते, ये तो बता दे। घर बनाने को पाप कहते और मंदिर बनाने को पुण्य कहते, तो मंदिर बनाने में क्या ईट बोई ईट गारा चुनी थी, बोई तो सब लगेगा, बोई काम करने पड़ेंगे, आरंभ भी हिंसा भी होगी और घर बनाने में भी वही होगी। लेकिन ये बताओ घर बनाने को पाप और मंदिर बनाने को पुण्य क्यों कहते? सोचो समझो विचार करो। और घर में हमारा उपयोग लगता है और धर्म आयतनों में उपयोग नहीं लगता, न खुशी होती है न उल्लास होता है न कुछ। ये उठा दियो था भैया, ये डाट दियो था भैया, बस नहीं तो कछु नहीं, हमसे कही नहीं, हमें पतो ही नहीं। देव सास गुरु के प्रति पंडित जी ने क्या लिखा है? भागचंद जी ने सत्ता स्वरूप में बांचा था, बोलो क्या लिखा है? अरे वो तो हो गया, हाँ बताओ पहले। केवल स्वरूप का समझना ही नहीं लिखा, स्वरूप के समझने के बाद मैंने देव को देव का अंतर, गुरु को गुरु का अंतर, धर्म को धर्म का अंतर, ये सब भली प्रकार से समझो, नकली असली का जैसे अंतर समझ लेते हैं, और इनके इनकी भक्ति से भी कार्य सिद्धि कैसे हो जाती है, इनकी भक्ति करते हुए भी कभी कार्य सिद्धि नहीं होती है, कभी होती है कभी नहीं होती, इन सबका अगर सूक्ष्म ज्ञान नहीं होगा भटक जाओगे। ज्ञान बिना की श्रद्धा कोई काम की नहीं है, प्रयोजन पर दृष्टि नहीं है तो ये ध्यान रखना। तो देवादिक का सच्चा स्वरूप समझने के बाद भी यह शब्द लिखा है, उनके हिस्से का तन तन में हिस्सा करिए, टुकड़ा नहीं करते,
तन के हिस्से हैं। तन की शक्ति, कितनी शक्ति हमारी उन पाप कार्यों में लगती है, इतने इतनी शक्ति यहाँ क्यों नहीं लगती? आप कैसे श्रद्धान कर पाओगे बोलो? मोह की तीव्रता में श्रद्धान तो नहीं होगा, मोह पुष्ट होता चला जाएगा, विषयाधिक पोषक। उनके हिस्से का तन मन, मन माने क्या होता है बता? हाँ क्या विचार? अरे बताओ क्या विचार? बस कोई तो हम करे, अगर करना हो तो ये बातें का विचार सोचो समझो बने, ऐसा थोड़ी ही हल्का हल्की चीज है बस हो गई। तो पुरुषार्थ 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 क्या पुरुषार्थ है तो बताओ, किसी पतो ही नहीं। उनके हिस्से का मन माने क्या? जैसी माता बेटी के संबंध में सोचती है, सोचती है क्या, ये बड़ा होगा ये कपड़े का पहनेगा, ठंड आ रही है तो इसके लिए ये चाहिए, भूखा है तो ये चाहिए, बीमार है तो इसको दिखाना है, इसको ऐसा करना। प्रवचन सार जी टीका में चिंता शब्द लिखा है। उनके हिस्से का मन माने उनके बारे में हम कितना सोच पाते हैं? जैसे व्यापारी व्यापार के बारे में सोचता है, ऐसा अगर आप धर्म आराधना प्रभावना के बारे में नहीं सोच पाते तो ग्रहित मिथ्यात से भी नहीं, उस उल्टा स्त्री के समान ग्रहित मिथ्यात लिखा है। उल्टा स्त्री कैसी? उल्टा स्त्री जिसको पति का रूप बना करके कोई दूसरा आ गया, उसको देख करके एकदम उल्लास हुआ, फिर लक्षणों से जाना ये हमारा पति नहीं हो सकता, तो वो विरक्त हो गई, फिर वो निर्णय हुआ, न्याय हुआ, जैसे सुग्रीव का हुआ था और फिर उसको, अब सुग्रीव का निर्णय होने के बाद सुग्रीव महल में आए तो अब बताओ क्या होगा? अब वैसा भी हर्ष न हो, ठीक है आए तो बैठन दे, क्या करने, प्रसन्नता ही न हो उस प्रकार की, अनुनय विनय नहीं हो उस प्रकार की, सेवा उस प्रकार की न हो, समर्पण न हो, बताओ कैसा शील हो सकता? बताओ शील कैसा होगा हमें बताओ? तो उसको उल्टा स्त्री कहा कि उसके प्रति उत्साह होता था, अब तुझे तेरे सौभाग्य से तेरे सच्चे स्वामी की प्राप्ति हो गई, तो अब तुझे उनके प्रति वो उत्साह वो सोच, इनकी प्रभावना के लिए मैं क्या करूं, कैसे हमारा ये लग जाए, हमारा तन रोम रोम लग जाए धर्म जिन शासन की प्रभावना में आराधना में। दिखावा की नहीं है, हिंदे लगे उन लोग पोछा लगाए दो बात बाकी, तुमने कह दी तो और नहीं तो अपने बस पतो ही नहीं कहां कारण मानी नहीं समझ सकता, मानी जीव नहीं समझ, ये तो पक्की बात है। अगर समझना है तो अभिमान को तोड़ना होगा, ये पक्की बात है। और ये अभिमान के हम समझते हैं, समझाने का हम समझाने वाले हम समझते हैं सब, हम सही है, चर्या से काम नहीं चलेगा, क्रियाओं से काम नहीं चलेगा। तुम 4 बजे उठ जाओ और तबीयत इनकी खराब है मान लो, तो ये 6 बजे उठ पाए, या रात को देर से उठे तो 6 बजे उठ पाए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा इसे, इसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। रूटीन वर्क अलग की है, भेद ज्ञान अलग की है। हमने आपको परिग्रह प्रमाण बताया था, 2 मकान हमने रख लिए, 3 मकान फलान रख लिए, इतना सोना रख लिए, इतना चांदी रख लिए। अरे पहले ये समझो परमाणु मात्र मेरा नहीं है, उसके बाद परिमाण की बात आई, चारित्र की। मोह बिना कसा कहीं मिटेंगे। तो उनके हिस्से का तान मान धन कसाय शक्ति कसाय भी, अगर वहां कसाय आती है तुम्हें भोजन के संबंध में, खाने पीने के संबंध में, अपने व्यवस्थाओं के संबंध में, और यहाँ नहीं आती वितरागता, शांति रहो। हाँ गृहित मिथ्यात है, इसका नाम शांति नहीं है।
तो क्या लड़ें? लड़ने की बात कौन है? लड़ने की बात कहां कह रहे? लड़ने की बात नहीं कह रहे, उनके हिस्से का लिखा, हिस्सा शब्द लिखा, बहुत बढ़िया शब्द है। तुम क्या पढ़ोगे हम जी पूछ रहे? वो कैसे पढ़ पाओगे? आंखों में चश्मा लगा दूसरा, जैसे विषयों का चश्मा लगा हो तो उसमें विषय विषय दिखेंगे। भरतीस का ऐसा वैभव था, ऐसे भोग थे, ऐसे रनवास थे, ऐसे ठाट थे। तो फिर अब अपन को कहा, ये दूसरी जातियों विवाह करते ना, बेल दस्तान दे रही, क्यों साहब? वो चक्रवर्ती की मदद करने के। भले आदमी चक्रवर्ती तो आया पहले, चक्रवर्ती मले छंड की रानियां थी इतनी। अब पुराण को भी सूक्ष्मता से पढ़ा जाए तो उसमें लिखा है उन्होंने व्रत ग्रहण किए थे, और एक बात दूसरी बात हमारी सुनोगे कि नहीं सुनोगे, उन चक्रवर्तियों का भी राग अनुकरणीय नहीं है, उनकी वीतरागता ही अनुकरणीय। चक्रवर्तियों का वैभव अनुकरणीय नहीं है, चक्रवर्ती का त्याग अनुकरणीय है। तुम कहते हो टेम नहीं है, टेम नहीं है, सीजन है, फलाना है, जी है, व्यस्त है, समय नहीं मिलता है। चक्रवर्ती को कैसे समय मिल जाता है द्वारा प्रेक्षण का, कैसे समय मिल जाता स्वाध्याय का? वे पुरुषोत्त कैसे करते थे? उनको बहुमान कैसे रहता था? युद्ध क्षेत्र में भी जाकर के ध्यान कैसे करते? ये बातें एक नहीं सीखी, बस ये सीखी चक्रवर्ती की वो छह मरीज खंड की रानी आती, उषा पवनजा भी विवाह शादी से पहले वो अंजना को देखने चले गए थे। हाँ तो ठीक है, हमने क्या करो बता, माने चश्मा चढ़े हैं जे, चश्मा तो जे चढ़े हैं तुम्हारे, इंद्री सुख की वासना से अंधा हो रहा तेरा उपयोग। अब ये बता कैसे वहां सीख पाएगा, कैसे करेगा? हमने कहा था ना सवेरे है, देखो तत्व दृष्टि से देखो, आत्म दृष्टि से देखो, विकार हो तो हमसे बताना। कल कहा था कि आज कहा था, तत्व दृष्टि से देखो। तुम्हें ये चाम क्यों दिख रहा खाली, इसके भीतर राम क्यों नहीं दिख रहा? ये चाम दिख रहा है, इसके भीतर राम क्यों नहीं दिखता ये तो बता। ये महल दिख रहा है, इस महल के भीतर भगवान कैसे दिखते? हमने आपको कितनी बातें कही, जिन मंदिर में समय शरण में भी भगवान ही देखने योग्य हैं। शोभा से एक देख के तो तमाम अभव्य भी निकल आते हैं, समय शरण में शोभा देख देख के तो तमाशु देख के तो तमाम चले जाते हैं, और भगवंतों में भी वो दृष्टि देखने योग्य है। एक दिन कहा था स्वाध्याय में, तुम पढ़ते हो तुम ही स्वामी हाथ बढ़ा करके, और भगवान कहते तुम हाथ पे हाथ धर ले, हाथ पे हाथ धर के तुम पार हो जाओ, तो होना हो तो हो जाओ, तरना हो तर जाओ, और हाथ बढ़ाए के हमें नहीं पकड़ पाए, और मजबूरी है हाथ बढ़ाए तो भगवान भगवान रहेंगे ही नहीं हमारे। एक जिन्हें परमेश्वर की एक विशेषता ही है, ये देव के संविधान में है, यहाँ ऐसी मुद्रा नहीं होती, ऐसी मुद्रा नहीं होती, ऐसी मुद्रा नहीं होती। हाँ बिल्कुल, भयभीत वाली मुद्रा नहीं होती, ये श्रृंगार नहीं होता, ये अस्त्र शस्त्र नहीं होते, ये नारी आदि नहीं होती, ये तो आयुध अंबर अंग विकार आदि काम क्रोध आदि के निंद चिन्हों से रहित परम सौम्य मुद्रा के धारक हुए हैं। देव का स्वरूप क्या समझ तुम? देव का स्वरूप, देव का स्वरूप जो समझ लेगा छिपाने की बातें खत्म हो जाएंगी। देव का स्वरूप सर्वज्ञ है कि नहीं बोलो? और सर्वज्ञ में तुमने ये कैसे समझ ली कोई नहीं देख रहा हो? देख को नहीं है, को नहीं है, भगवान के ज्ञान में आ रही बेटा,
गुरुओं के ज्ञान में आ रही है। और बात बाकी अब हम क्या कह रहे हैं, बहुत स्थूल कथन कर रहे हैं, कई धर्म बुद्धि वाले व्यंतराधिक हो और अब ये तुम्हें दिखाई तो दे नहीं रही इतने झाड़े, और तुम्हारी वो चेष्टा पर वही कील दें कहो तो ऐसे कील दिए, ऐसे हाथ रह गए और ऐसी तलवारें रह गई कि साहब चौथे काल की बातें थी। अरे चौथे काल की बातें थी, हम अब पंचम काल में बता दें कहो तो मैंने स्वच्छता का पोषण क्यों कर रहे हो चौथे काल की बातें, पंचम काल में भी अब हैं सदैव भयभीत कभी नहीं रहना और सावधान, तो सर्वज्ञ का स्वरूप हमको सावधान करता है। सर्वज्ञ का स्वरूप अंधेरा है ही नहीं, सारा विश्व ज्ञानमय है, माने ज्ञान का प्रकाश विश्व में है, अर्थात विश्व ज्ञान का विषय है। विश्व में एक भी पर्याय ऐसी नहीं है जो ज्ञान में ना आया, ज्ञानियों के ज्ञान में, ज्ञानियों के ज्ञान से अगोचर कुछ भी नहीं है। और जो सोचता है कोई नहीं देखता, उसे सर्वज्ञ की श्रद्धा मानी आएगी, बोलो मानी आएगी, कैसे मान लेंगे। वो तो छिपाने की कोशिश नहीं करेगा, मिटाने की कोशिश करेगा, मिटाने का प्रयत्न करेगा। क्या हुआ गुरुदेव प्राश्चित, गुरु का स्वरूप जानते हो, गुरु माता और पिता दोनों होते हैं। अब बल्कि हमारे यहाँ तो मतलब नीति में कितना लिखा, तमेव माता च पिता तमेव, तमेव बंधु च सखा तमेव, तमेव विद्या दबिरम तमेव, है देव। अब भाई सिद्धांत बोलो, जो का जो है सो तुम, हमारी पूजाओं में लिखा है भलो हो बुरो हो जिसो हो तिहारो। हे भगवान, आप भले हैं बुरे हैं जो हैं जैसे हैं, हैं तो आके तुम्हारे मैंने व्यवहार व्यवहार की जगह है, व्यवहार का व्यवहार रूप सिद्धांत होना चाहिए और परमार्थ का परमार्थ सिद्धांत होना चाहिए। हम पढ़ रहे थे पार्श्वनाथ स्तुति, उसमें पुरानी एक उसमें आया, निज मरण देख अनंग डर प्यो, शरण ढूंढत जग फिरो, कोई न राखे चोर प्रभु को, आए पुन पायन डरो, यो हार निज हथियार डारे, पोप बरसा मिस भनी, सो जयो पार्श जिनेन्द्र पातक, हरन जग चूरामणि। जो वो तो साहित्य की बात है, ये पुष्प वर्षा नहीं हो रही, कामदेव हत्या डाला ये समझो। जब उसने आपका इस तपस्या का ब्रह्मचर्य का शील का वो रूप देखा, ओहो मरे सो भगा सारे विश्व में, अब प्रभु के चोर को कौन शरण देगा। जैसे राजा के अपराधी को राज्य में शरण नहीं है, हैं? और देव के अपराधी तो ये बता, तीन लोग के देव नाथ भगवान के अपराधी को कहां शरण होगी, तीन लोक में कहीं शरण नहीं होगी। हमने पढ़े हैं भगवान योग में, वो देव कह रहा है हे सुंदरी के शरण में जा, रेन मजूषा की शरण में जा, मनोरमा की शरण में जा, नहीं तो कहूं नहीं छोड़ेंगे, तू समझत का है। मारन हारो दीखे न कोई और मार पड़े थे, चिल्लाने लगे बुरी तरह नेक देर में, जो जो सोच रहे थे यहाँ को आप रेन मजूषा को, श्रीपाल तो समुद्र में गिर गया, तेरे गिराने से गिरेगा यहाँ को है। विचार करो मणि, सास प्रवचन का क्या स्वरूप लिखा है, शशांक बोलो साहब का चार में, पाप से मन काम पाए मान हो जाए, कांपने लगे। शास्त्र पढ़ो और पापों से मन कांपे नहीं, काहे की शास्त्र पढ़े तुमने, पापों से मन कंपाया मान हो जा, मिथ्या से छूट जाए, अयोग्य भोजन
अवाक्य वक्षण नीति आदि ये सब छूट जाए, और फिर लिखा आपा पर का भेद ज्ञान होया, अपना स्वरूप दिखने लगे। वाह, जैसे दर्पण के सामने, यहीं से ये लाइनें लिखी हमने, जो दर्पण सन्मुख हो जग में मोही तन रूप सजाते हैं, तो तुम पूजन कर हे प्रवर हम अपना भाव बढ़ा दे। कौन सा भाव बढ़ाएंगे? वैराग्य बढ़ाने आए भैया। श्रद्धान का पुरुषार्थ समझ में आ जाना चाहिए। श्रद्धान का पुरुषार्थ समझना, निर्णय करना और बारंबार विचार करना, लगे बीच में नहीं छोड़ना, बारंबार विचार करते रहना। कब तक? जब तक के जैसा कहा है वैसा भाषित न हो जाए। बस भाषित हुआ श्रद्धान हो गया, ये समझ लो। भाव भाषण पूर्वक ही श्रद्धान सम्यक होता, चाहे देव सास गुरु का हो क्या फिर तत्वों का। तत्वों तत्वों इतनी जल्दी मत किया करो। तत्व में आश्रव तत्व का सिद्धांत, जीव तत्व, कभी कभी किसी को मुख कर लो, कभी किसी को मुख कर लो, ये हम नहीं कह रहे हैं। लेकिन सीखने में क्रम में अब ये भी आगे पंडित सम्यक सम्यक में लिखा है पंडित जी, नाम लक्षण आदि सीखना, सो तो शास्त्र के अनुसार सीख लेते हैं, उपदेश के अनुसार सीख लेते हैं, और फिर परीक्षा करने में अपना विवेक प्रमुख है। ये लिखा है कि नहीं लिखा? ऐसे वो पुरुषार्थ मैंने हमें करना है ना, हमें करना है। फलन चीज ले आइयो और तुम्हें वैसे ही डाल देना है तो बस सुन के रह जाए बने आप है। वो गए थे हम मिली नहीं थी, देखी थी मिली नहीं थी। अगर तुम्हें ये है कि लाना है तो फिर कहाँ मिलेगी, कितने की मिलेगी, कैसे मिलेगी, भली प्रकार से समझोगे। और फिर एक जगह नहीं मिलेगी तो फिर वहां फिर पूछी कहा भैया कहाँ मिलेगी, तो कहूँ मिलेगी कि नहीं, कि वो अभी तो नहीं है ग्वालियर मिलेगी, तो आप जाओगे दो दिन हमारे लिए ला देना। माने इतनी बुद्धि कौन दे देता, हम ये पूछ रहे, और यहाँ कहते बुद्धिहीन का नाटक दिखाते हो। अपने को बुद्धि को छिपाने में है, बुद्धि को बचाने में अपने को बुद्धिमान समझा, समझ गए? श्रद्धान का प्रसार निर्णय और विचार। श्रद्धान ही प्रयोजन, श्रद्धान भी प्रयोजन नहीं अकेला। श्री गुरु तो राग आदि छुड़ाना चाहते, यहां तक पहुंचाया निश्चयवास के प्रसंग में विचारना। सहजानंदी शोध स्वरूपी अविनाशी में आत्म स्वरूप, सहजानंदी शोध स्वरूपी अविनाशी में आत्म स्वरूप, सहजानंदी शोध स्वरूपी अविना